एक ड्राफ्ट लॉ रेफ्यूजी राइट्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, शरणार्थी अधिकारों पर कानून का एक मसौदा हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मसौदा हमारे लिए काम का नहीं होता है, ड्राफ्ट हमारे लिए काम के नहीं होते हैं, बट इसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स मेंस में आपको मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2.0 ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेफ्यूजी शरणार्थी कौन होते हैं, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी होगी ही। वो लोग जिन लोगों ने अपनी खुद की कंट्री के अंदर किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन फेस किया हो और वहां से वो भागे हो, तो वो लोग होते हैं रेफ्यूजी। स्टेटलेस पर्सन मतलब कि जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती है, वो होते हैं रेफ्यूजी। और पूरे दुनिया भर में ऐसे जो लोग हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जो है वो कंट्रीज का है, नेशंस का है, कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको आप जो है वो असाइलम दो, कहीं पर रहने की व्यवस्था करो, उनके लिए खाना पीना उनको प्रोवाइड कराओ, ह्यूमैनिटेरियन एड जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रोवाइड कराओ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनके द्वारा भारत में शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई। तो एनएचआरसी ने एक डिस्कशन कंडक्ट किया किस चीज के ऊपर, कि जो रेफ्यूजीज हैं और जो असाइलम सीकर्स हैं इंडिया के अंदर, कि इंडिया में जो रेफ्यूजीज लोग हैं और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया उन्हें रहने के लिए व्यवस्था प्रोवाइड कराए, जगह प्रोवाइड कराए, जो रेफ्यूजीज हैं, स्टेटलेस पर्सन हैं, तो उनके प्रोटेक्शन, बेसिकली उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन पर चर्चा हुई कि उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या होनी चाहिए। और इस मीट के दौरान, इस मीटिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काफी सारी चिंता व्यक्त करी, जैसे कि इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है रेफ्यूजीज के लिए और असाइलम सीकर के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और सजेस्ट किया गया कि एक मॉडल लॉ जो है वो असाइलम और रेफ्यूजीज के ऊपर लाया जाए, जिसको ड्राफ्ट किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। बहुत साल पहले ड्राफ्ट किया था, काफी दशक पहले ड्राफ्ट किया था, बट उसको सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे कानून को दोबारा से जो है वो रिवाइज करवाओ, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा दोबारा से इसको चेक करवाओ, और जो भी आज की डेट में इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके अंदर शामिल करो, ऐड करो, और या फिर कुछ ऐसी चीज है जो शायद पहले आपने ऐड कर दी होगी, जो कि जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोग रेफ्यूजीज बनकर जो है टेररिस्ट जो है वो एंटर हो जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, बेनिफिट अपनाते, कुछ सालों तक इंडिया के अंदर रहते हैं नॉर्मल तरीके से, कुछ साल मतलब मैं मानती हूँ 10-20 साल, एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जिस पीरियड में एक व्यक्ति जो है मतलब कि वो थोड़े जैसे उसने अपनी दुकान खोल ली, कुछ नॉर्मल बिजनेस करने लगा, जैसे कि आपको पता होगा कि ये स्लीपर सेल्स वगैरह होता है, ये इनका ऑपरेशन ये नहीं होता कि आप जो है वो जाकर घुस जाए और फिर घुसने के बाद तुरंत जो है वो अटैक कर दें। इनका काम होता है लॉन्ग टर्म, कि जब 10-20-25 साल के बाद इनको मैसेज आए कि आपको ये ड्यूटी जो है वो अपनी करनी है, तो फिर वो चीज करते हैं। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, हमारी इंडियन सिनेमा में इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो दिखाया गया है। मैं शायद गलत नहीं हूं तो जैसे हॉलीडे करके एक पिक्चर है अक्षय कुमार की, उसमें भी ये चीज जो है वो दिखाई गई है। हॉलीडे मेरे ख्याल से साउथ इंडिया की जो मूवी है उसकी कॉपी है, राइट। और इसके अलावा एक और मूवी बेबी, बेबी में भी इस प्रकार के सीन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, राइट। तो ऐसी चीज होती है, ये बिल्कुल सच है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है, स्लीपर सेल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो रेफ्यूजीज बनकर भी कुछ लोग इंडिया के अंदर प्लांट किए जा सकते हैं, तो ये सब चीजें भी हैं जिसको कानून के अंदर जो है वो शामिल करना है स्ट्रिक्टली, कि ऐसी चीज जो है वो ना हो, ऐसी हम लोग रेफ्यूजीज को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि पास्ट आइडेंटिटी को रखकर, जैसे कि अब वो किसी कंट्री से भागे हैं तो एटलीस्ट हम उस कंट्री, क्योंकि देखो हमारी भी जो हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे होता है ना कि हमारी कंट्री के अंदर, जैसे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज पर जो है वो एंटर करेंगे, जाएंगे, ऑप्ट करेंगे, काफी सारे लोग IFS को जो है वो चूज करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी IFS होती है, तो आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएगा तो वो इंडियन डिप्लोमेट रहेंगे, दूसरी कंट्री के अंदर रहेंगे वो, राइट, दूसरी कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी के अंदर रहेंगे वो, राइट। तो हमारी भी एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, तो जहां से वो व्यक्ति आया है भाग कर, तो एटलीस्ट हम अपनी एम्बेसी के माध्यम से जो है उसकी डिटेल्स हासिल कर सके, उसका पास रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सके, यार वो व्यक्ति वहां का है कि नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जहां से वो आए उस चीज के लिए, राइट। तो वो सब चीजें भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब तो मैंने अपने पॉइंट्स आपको बताए हैं जो होनी चाहिए जो चीजें, और वो भी आप जरूर अपने मेंस पे लिखिएगा। बाकी इस प्रकार के कानून की जो है वो क्या आवश्यकता है, तो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर जो है, शरणार्थी और शरण मांगने वाले व्यक्ति जो है,
तो इनको अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 14, 20, 21 के तहत, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये आर्टिकल्स हैं, तो इनके तहत इनको अधिकार देने की बात की गई है। मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना, बट क्लैरिटी नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास भी कि क्या अधिकार, किस टाइप के अधिकार, लीगल बैकिंग नहीं है। और यदि इस संदर्भ में कोई कानून बनाया जाता है तो यह मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून को सुचिता एवं एक रूपता प्रदान करेगा, कानून को लीगल सैंक्टिटी और यूनिफॉर्मिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। और क्या सजेशन जो है वो लिए गए, तो अपडेट किया जाए दो ओल्ड एनएचआरसी के डॉक्यूमेंट्स को, दो पुराने एनएचआरसी के डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपडेट करो, डोमेस्टिक असाइलम लॉज और मॉडल लॉ से रिलेटेड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रेफ्यूजीज के मॉडल लॉज क्या होने चाहिए, एक पैनल या कमिटी जो है वो बनाई जानी चाहिए, राइट, स्कॉलर्स की, एक्सपर्ट्स की, जो कि इन सब ड्राफ्ट लॉ को जो है वो अपडेट करें, यानी कि एक्सपर्ट कमेटी अपडेट करें, और इवन यूनाइटेड नेशन की एक मल्टीलेटरल ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है जिसने रेफ्यूजी की डेफिनेशन दी है, वो है रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951, रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 जिसने डिफाइन किया है रेफ्यूजी को और इसमें रेफ्यूजी के क्या अधिकार होंगे, राइट, कि जो भी इंडिविजुअल असाइलम जो है वो मांगता है, राइट, जो शरण जो है वो मांगता है, तो उसके क्या अधिकार होंगे, रेफ्यूजी के क्या अधिकार होंगे, एक कंट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी असाइलम ग्रांट करने की, राइट, तो ये सब चीजों के बारे में इसमें मेंशन है, इस मल्टीलेटरल ट्रीटी में मेंशन है जो यूनाइटेड नेशंस की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कुछ कन्वेक्शन हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर मल्टीलेटरल ट्रीटी के अंदर जिसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि जो भी लोग जो है किसी भी प्रकार की उत्पीड़न के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण, बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, तो कई बार लोगों को रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, यानी कि नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधता या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, परसिक्यूशन जिन लोग का, उत्पीड़न जिन लोग का होता है और उन लोग को फोर्सफुली भगना पड़ता है उस कंट्री से, तो ऐसे जो लोग हैं वो कौन है, रेफ्यूजीज है, और उनको दूसरी कंट्री शरण प्रोवाइड कराए, तो इसको लेकर ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और कन्वेंशन ने ये भी बताया हुआ है कि कौन लोग जो है जिनको रेफ्यूजी नहीं माना जाएगा, तो वॉर क्रिमिनल्स को, युद्ध अपराधियों को रेफ्यूजी जो है वो नहीं माना जाएगा। कन्वेंशन ने यह भी कहा है कि वीजा फ्री ट्रेवल जो है वो प्रोवाइड किया जाए रेफ्यूजीज को, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कन्वेंशन जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 14 जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके आधार पर ये कन्वेंशन बनाया गया है जिसमें कि दूसरी कंट्रीज जो है वो हेल्प करें रेफ्यूजीज की, रिकॉग्नाइज करें रेफ्यूजीज के अधिकार को और उनको हेल्प करें, उनको शरण जो है वो प्रोवाइड कराएं। इसके अंदर मेंशन है कि रेफ्यूजीज जो है वो किस प्रकार के राइट्स जो है वो एंजॉय करेंगे, यानी कि किस प्रकार से उनको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड कराना है, राइट, मानवीय सहायता जो है वो प्रोवाइड कराना है, तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।